अध्यक्ष महोदय, अखिलेश यादव जी सदन में पहली बार बोल रहे हैं इस सदन में। अध्यक्ष जी धन्यवाद, मैं आपका देना चाहता हूं धन्यवाद। हालांकि मैं बुध को ही बृहस्पति को बोलना चाहता था बुध की घटना पर, मेरे को अध्यक्ष महोदय मुझे मौका नहीं मिला। नहीं, आपने मुझे लिख के नहीं दिया माननीय सदस्य आज, क्योंकि माननीय मंत्री जी बहुत अच्छा बता रहे हैं कि देश में जो विभिन्न कला के या किसी क्षेत्र से जो अच्छा कार्य करते हैं उन्हें सम्मान देने का काम करते हैं। मुझे खुशी इस बात की कि उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में पद्मश्री और इस तरह के अवार्ड से लोग सम्मानित हुए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब उत्तर प्रदेश में यश भारती सम्मान प्राप्त करने वाले लोगों को एक सम्मान राशि दिया करते थे सरकार से, इसी तरह पद्मश्री प्राप्त करने वालों को एक सम्मान राशि सरकार की तरफ से दी जाती थी, अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वालों को एक सम्मान राशि दी जाती थी। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं कह सकता हूं कि माननीय सदस्य यहां पर चुन करके आए हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कला के क्षेत्र में, उन्हें भी सम्मान राशि मिलती थी। कौन है? कौन? माननीय सांसद रवि किशन जी हैं, इन्हें माननीय सदस्य प्लीज, आपको माननीय सदस्य क्षेत्र के आपको भी मंत्री नहीं बनाया। नहीं, मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि जिन विभूतियों को आप सम्मान देते हैं क्या उनके लिए सम्मान राशि भी पेंशन की तरह व्यवस्था की जाएगी? उत्तर प्रदेश में 50,000 से लेकर के 20,000 रुपया प्रति महीना सम्मान राशि दी जाती थी, क्या भारत सरकार ऐसे लोगों को सम्मान राशि देने का काम करेगी? जी धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया और माननीय सदस्य अखिलेश जी ने हमारा नाम लिया कि मुझे 50,000 रुपए की धन राशि मिलती थी, यश भारती एक सम्मान उत्तर प्रदेश सरकार से मिलता था जब इनकी सरकार थी। लेकिन मैं उनकी जानकारी में बता दूं कि मुझे ऐसा कोई सम्मान आपकी सरकार ने या मायावती जी की सरकार ने नहीं दिया, और मैं उस उत्तर प्रदेश को और पूरा देश जानता है कि मैं उस जगह से बिलोंग करता हूं और मुझे सम्मान मिलना था तो मुझे ये सम्मान वहां से यश भारती नहीं कभी दिया गया, ना मुझे कोई 50,000 की राशि मिली वहां से, और यही मैं आपसे कहना चाहता था। माननीय सदस्य, मैंने आपको पुकारा था कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन के लिए। हाँ, मेरा सवाल था लेकिन ये इल्जाम को मुझे साफ करना था, मैं अपना सवाल भूल गया। कभी भी आप लिख के दे। है मेरा सवाल भी है महोदय जी, मेरा सवाल है। अब समय नहीं है, मेरा सवाल है, अब समय नहीं। माननीय सदस्य प्लीज बैठ जाए, माननीय सदस्य अब हो गया आपका समय।